नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने सर्विंग सब्जेक्ट का टॉपिक लेके आया हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सर्विंग का एक जो कर्व चैप्टर है पूरा, वो पूरा कंप्लीट कर्व चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है ई लेक्चर के रूप में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसकी प्ले लिस्ट में जाके फिर आप उसको देख सकते हो। फिर मैं यहाँ नए नए जो व्यूअर्स है या नए जो देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बना हुआ है पास में घंटी का निशान, उसको प्रेस कर दें, उसको दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग उसको आसानी से देख सको फटाफट, ताकि आपके पास सूचना तुरंत रहे। और दूसरा चीज़, एक एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का भी मैंने साथ में, कई लोगों की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग मैंने साथ में वो भी शुरू कर दिया एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, जिसमें मैंने सेंटर लाइन मेथड के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। उनका भी मैं किसी का लिंक यहां पे डाल दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वीडियो आपके पास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्ले लिस्ट में जाके और फिर सारे वीडियो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट आपको वहाँ बनी हुई मिलेगी। चलो ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं, आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, सर्विंग। सर्विंग जो है, अभी ये जो सर्विंग है ये आपके सेकंड ईयर में चलता है, चाहे आप डिग्री की बात करो चाहे डिप्लोमा की बात करो, आज वाला जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर में है। और जो पहले अपन ने कर्व का डिस्कस किया था चैप्टर सारा, वो थर्ड ईयर में चलता है, चाहे वो अपने बीटेक की बात करें चाहे डिप्लोमा की बात करें, दोनों के थर्ड ईयर में चलता है ये सब्जेक्ट। अभी आज जो टॉपिक ले रहे हैं ये जो है वो सब्जेक्ट सर्वे का सेकेंड ईयर में आपके चलता है। तो सेकेंड ईयर का टॉपिक है, बहुत बेसिक सर्वे है, बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में से 101% 2-3 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल से उसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। जेईई का पेपर जो है कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और ना ही जैसे गेट का पेपर है, तो सर्वे के क्वेश्चन गेट में भी बहुत फिक्स से पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कहीं से अपने को हार्ड पेपर बना के दिया जाता है या कुछ और आता है। एक तो ट्रिक है कि आप पुराने पेपर्स उठा के देख लें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही लगेगी कि हाँ सर सही बता रहे हैं कि जो क्वेश्चंस है वो एकदम आसान क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा कभी कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन का या क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि टाइम आपके पास जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको कम टाइम में सोल्व करना है। तो जो पेपर सॉर्टर होते हैं उनको भी पता होता है कि कम टाइम में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ आपके फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के आपके फंडामेंटल्स कैसे, कितने क्लियर हैं। तो उसी के हिसाब से मैं ये प्रिपरेशंस आपको करवा रहा हूँ, आप बने रहिए। चलो अपन शुरू करते हैं सर्विंग। सर्विंग के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ सर्विंग, आज अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ सर्विंग, यानी सर्विंग के फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर्विंग होता क्या है। सर्विंग का मतलब होता है किसी भी एरिया का या किसी भी टोपोग्राफी की सारी डिटेल्स अपने को फाइंड आउट करना, यानी उसकी हॉरिजेंटल्स अलाइनमेंट्स क्या है, उसके वर्टिकल जो एलिवेशंस है वो क्या क्या है वो निकालना, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के सापेक्ष एलिवेशंस फाइंड आउट करना, उनकी आपस में दूरियां फाइंड आउट करना, ये सब कहलाता है सर्विंग। अब सर्विंग का आते हैं अपन की टाइप ऑफ सर्विंग, सर्विंग कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। तो सर्विंग को मेनली अपने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्लेन सर्विंग और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग का मतलब होता है जिसमें अर्थ सरफेस को अपन एकदम सीधा मानते हैं, फ्लैट मानते हैं, यानी उसको लेवल एकदम हॉरिजेंटल मानते हुए, फ्लैट मानते हुए अपन जब सर्वे करते हैं तो वो सर्विंग अपनी कहलाती है प्लेन सर्विंग। ये हमेशा जो छोटे एरिया है, स्मॉल एरिया के सर्वे करने में काम में आता है, क्योंकि छोटे एरिया में अपन जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अर्थ सबको पता है जो अपनी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में होती है। तो जब स्फेरिकल शेप में है अर्थ तो उसका कर्वेचर होता ही होता है, कर्वेचर होगा, तो वो कर्वेचर को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं और जब सर्वे करते हैं तो उसको कहते हैं प्लेन सर्विंग। और ये नेग्लेक्ट कर कब कर सकते हैं, जब अपने छोटे एरिया का सर्वे करते हैं, 1-2 किलोमीटर का, 500 मीटर का, 200 मीटर का, कोई एक छोटी कॉलोनी का, इस टाइप का सर्वे करते हैं तो वो कहलाता है प्लेन सर्विंग। उसके लिए अपन जो अर्थ सर्फेस है उसको एकदम प्लेन, एकदम फ्लेट मान लेते हैं। उसके बाद में फिर आपके यहाँ पे है जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग का मतलब है कि इसमें अपन अर्थ सरफेस को, कर्वेचर को काउंट करते हैं, यानी जो अर्थ सरफेस कर्वेचर होती है, जो मुड़ी हुई सरफेस होती है, जो सतह होती है कर्वेचर फॉर्म में होती है, तो वो अपन एक्चुअल उसकी कर्वेचर सरफेस लेते हैं और उसको काउंट करते हैं, यानी फिर उसमें अपन कर्वेचर का और रेफ्रेक्शन का करेक्शन भी लगाते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे कि ये करेक्शन क्या होते हैं, कर्वेचर करेक्शन और रेफ्रेक्शन करेक्शन। इसमें फिर जो छोटे एरिया है उसमें अपन ये
जो करेक्शन है वो अप्लाई नहीं करते। तो जो जियोडेटिक सर्वेइंग है उसमें अपन ने क्या कर दिया, अर्थ के कर्वेचर को काउंट कर लिया। तो ये कहाँ काम में लेंगे, ये जब बड़े एरिया का या लार्ज एरिया का अगर अपने को सर्वे करना हो तो ये काम में आता है। फिर अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड के नेचर पे कि अपना फील्ड कैसा है उसके आधार पे। ये तो ब्रॉडली दो भागों में बांट दिया, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड का नेचर कैसा है उसके आधार पे सर्वे कितने प्रकार का होता है। तो फील्ड के नेचर के आधार पे एक होता है लैंड सर्वेइंग, एक होता है मराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग का मतलब सिंपल लैंड की, अपन जमीन का जब सर्वे करते हैं तो वो लैंड सर्वे कहलाएगा। मराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब जब अपन जल से जुड़ी हुई चीज का जब सर्वे करते हैं तो वो अपने मराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है, जैसे झील वगैरह या इस तरीके से अपन करते हैं या समुद्र का सी लेवल वगैरह निकालते हैं, तो वो सब अपने किस में आता है, मराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज है, जैसे अपने सन है, स्टार्स है, उनकी एक्चुअल पोजिशन पता करना, वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब देखते हैं अपन फर्स्ट लैंड सर्विंग। इस लैंड सर्विंग को भी आगे कई भागों में बांटा जाता है। जैसे लैंड सर्विंग में पहला है टोपोग्राफिक सर्विंग, यानी किसी भी स्थान की टोपोग्राफी ज्ञात करने के लिए, टोपोग्राफी फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए किसकी टोपोग्राफी कैसी है वो पता करने के लिए जो सर्वे करते हैं वो कहलाता है टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि उसके फीचर्स, कितनी हाइट है उसकी, इस तरीके से। जैसे इसमें अपन क्या करेंगे, फिर लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स लेंगे। लीनियर का मतलब डिस्टेंसेज मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को एलिवेशंस कहते हैं, लेवल लेके अपन एलिवेशन निकालते हैं। और एंगुलर मेजरमेंट्स, एंगुलर मेजरमेंट्स का मतलब एंगल मेजर करना। फिर इसका एग्जांपल जैसे रिवर, लेक, हिल, रोडवे, कैनाल, रेलवे, पाइपलाइंस, सीवर लाइंस, इन सब का जो सर्वे करते हैं वो अपने टोपोग्राफिक सर्वे में आएगा। फिर है कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे में क्या होता है, किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी जो लाइन होती है, जैसे अपने म्यूनसिपलिटीज की बाउंड्री फिक्स करते हैं, कॉलोनी काटते हैं, कॉलोनाइजर होते हैं जो कॉलोनी काटते हैं, तो उस टाइम भी सर्वे किया जाता है। उसका एरिया, लैंड का एरिया कैलकुलेट किया जाता है कि एग्जैक्ट कितना एरिया है, फिर उसको एक एक पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो वो जो सर्वे करते हैं वो कहलाता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। फिर है अपने पास मराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। मराइन और हाइड्रोग्राफिक का मतलब मैंने बताया, जैसे कि समुद्र से जुड़ी हुई वाटर बॉडीज का जो नेविगेशन है, वाटर सप्लाई है, हार्बर वर्क्स है। हार्बर का वर्क्स का मतलब जो अपने पोर्ट पे जो वर्क होता है, हार्बर वर्क्स, जो सी पोर्ट होते हैं वहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल, यानी मीन सी लेवल ज्ञात करना, ये सब जो सर्वे है वो कहलाते हैं मराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नाम से ही पता है, मराइन यानी समुद्र से संबंधित चीजें, हाइड्रोग्राफिक का मतलब जल बॉडीज, वाटर बॉडीज से संबंधित सर्वे जो करते हैं वो मराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है। फिर है एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे का मतलब सन और एनी स्टार की एब्सोल्यूट लोकेशन फाइंड आउट करना, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, जो खगोलीय पिंड्स है, उनकी स्थिति ज्ञात करना, उनकी पोजीशन फाइंड आउट करना, लोकेशन फाइंड आउट करना, वही कहलाता है एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। कई बार तो इन्हीं सिंपल यहीं से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि इनका टाइप ये पूछ लेते हैं सिंपल कि टाइप कौन सा है, यानी इस तरीके का सर्वे करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, इस तरीके का सर्वे करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, यानी सर्वे करते समय अपन इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में ले रहे हैं, सर्वे करते समय इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में ले रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उसके आधार पे क्या अपने पास, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे जो अपने इंस्ट्रूमेंट यूज लिया है उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वे कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा सर्वे होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे ये सर्वे हैं सारे, और इन्हीं के आधार पे आप लोग सारा थ्योरी पढ़ते हो सारी और प्रैक्टिकल्स भी करते हो, जिसमें सबसे पहले चेन सर्वे, यानी चेन से जो सर्वे करते हैं। चेन सर्विंग का मतलब सिंपल, जिसमें अपन चेन से अपन मेजरमेंट लेते हैं, टेप से, चेन से मेजरमेंट लिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, वो कहलाता है चेन सर्विंग, जिसमें दूरियां ज्ञात करते हैं, क्षैतिज दूरी। फिर थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे का मतलब थियोडोलाइट की सहायता से, थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट इसको जानते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, पूरे प्रैक्टिकल करते हैं थियोडोलाइट पे। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग का मतलब थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सहायता से अगर अपन एंगल्स ले रहे हैं, एलिवेशंस, लेवल्स पढ़ रहे हैं, तो थियोडोलाइट की सहायता से जो सर्वे करते हैं वो थियोडोलाइट सर्वे कहलाएगा। ट्रावर्सिंग सर्वे, यानी ट्रावर्स बनाना, ट्रावर्स है वो चेन ट्रावर्स भी हो सकता है, थियोडोलाइट ट्रावर्स भी हो सकता है, यानी किसी भी एरिया को क्लोज जैसे ट्रावर्स या ओपन ट्रावर्स से अपन सर्वे जब करते हैं तो वो कहलाएगा ट्रावर्स सर्वे। इसी तरीके से ट्राइंगुलेशन सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और फोटोग्रामेट्रिक सर्वे एंड एरियल
सर्वे, ये सब सर्वे की टाइप है, इनको अपन वन बाई वन करके सभी को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सब अलग अलग, क्योंकि ये एक एक चैप्टर है, एक ऐसे मानो आपके सर्वे के सभी एक एक, कम से कम एक एक चैप्टर है सारे के सारे, जिनको अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने सिंपल इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, जो सर्वे में अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसके आधार पे सर्वे कितने प्रकार का होता है, तो चेन सर्वेइंग, थ्योडोलाइट सर्वेइंग, ट्रावर्सिंग सर्वेइंग, ट्रायंगुलेशन, टेकोमेट्रिक, प्लेन टेबल, फोटोग्रामेटिक और एरियल सर्वेइंग, इनको अपन वन बाई वन करके आगे की वीडियोज में, आगे के लेक्चर में डिस्कस इनको करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्विंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, ये बहुत बार अगर आप पुराने पेपर्स के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो गेट का हो, चाहे ईएस का हो, आईईएस का हो यानी यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी के कोई आईएन के पेपर हो, चाहे कोई जेईएन के पेपर हो, चाहे एसएससी जेईएन का पेपर हो या स्टेट के जेईएन के पेपर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक बार तो लगभग हर एग्जाम में ये पूछा गया ही है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग, सर्विंग के प्रिंसिपल क्या है, सर्वे के बेसिक दो प्रिंसिपल होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब होता है कि किसी भी एरिया का अगर सर्वे करना है तो पहले उस एरिया को चारों तरफ से बाउंड्री, वो कंप्लीट सर्वे कर लो, उसका फिक्स ऑफ बाउंड्री, फिक्सेशन ऑफ बाउंड्री कर लो, ताकि जो एरर है वो फिर उसी एरिया के अंदर एरर सारी डिवाइड हो जाएगी, जिसे अपन कहते हैं लोकलाइज ऑफ द एरर, यानी एरर को लोकलाइज कर दिया जाता है तो फिर एरर रिड्यूस हो जाती है। अदरवाइज अगर अपन इसका उल्टा कर लें, अगर पार्ट टू होल कर लें, पहले टुकड़ों में सर्वे करें, छोटा 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 छोटा, फिर उन सब टुकड़ों में थोड़ी 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 एरर होगी, फिर उन टुकड़ों को जोड़ के जब अपन कंप्लीट एरिया अपना करेंगे तो वो एरर सारी भी जुड़ जाएगी, तो एरर है वो बहुत ज्यादा एरर हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, सर्वेइंग का फर्स्ट प्रिंसिपल यही होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट यानी होल से, बड़े से छोटे पार्ट की तरफ काम करना है अपने को, ताकि एरर को कम किया जा सके, लोकलाइज किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है वो होता है लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, यानी सर्वे के अंदर किसी भी पॉइंट को, फील्ड में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसकी लोकेशन फिक्स करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए कम से कम दो मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट यहाँ फिक्स करना है, आपने बता दिया कि यहाँ से इसकी दूरी 10 मीटर है, ऐसा नहीं है, एक एक मेजरमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूरी 10 मीटर तो यहाँ से भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऊपर भी, किसी भी तरफ भी दूरी 10 हो सकती है, तो वो कोई फिक्स एक पॉइंट लोकेट नहीं हुआ है। एक पॉइंट लोकेट करने के लिए कम से कम मिनिमम टू मेजरमेंट, एटलीस्ट टू मेजरमेंट, कम से कम दो मेजरमेंट आपको लेने ही पड़ेंगे। अब वो दो मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, दो डिस्टेंस हो सकती है, जैसे मान लो ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ से ले लिया मैंने, कह दिया 20 मीटर, यहाँ से मैंने कह दिया 30 मीटर, तो यहाँ से 20 मीटर और यहाँ से 30 मीटर, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ये चीजें, तो कम से कम दो है, हो सकता है कई बार तीन की जरूरत भी पड़ जाए, तीन मेजरमेंट भी लेने पड़ जाए, तो कम से कम दो मेजरमेंट होने चाहिए। अब दो मेजरमेंट में ये चीजें हो सकती है कि दो लीनियर मेजरमेंट हो सकते हैं, दो एंगुलर मेजरमेंट हो सकते हैं यानी एंगल्स हो सकते हैं, और एक लीनियर और एक एंगुलर मेजरमेंट हो सकता है, यानी एक लंबाई दे दी मैंने और फिर मैंने यहाँ से कोण दे दिया, मैंने कह दिया क्षितिज के साथ कोण इसका 30 डिग्री है और ये यहाँ से 10 मीटर दूर है, तो फिर ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। यानी एक पॉइंट को फिक्स करने के लिए दो मेजरमेंट होने जरूरी है, चाहे एक लीनियर मेजरमेंट हो, एक एंगुलर हो सकता है, या दोनों ही लीनियर हो सकते हैं या दोनों ही एंगुलर हो सकते हैं। यानी जैसे ये पॉइंट को फिक्स करना है तो मैंने यहाँ से दो एंगल ले लिया, मैंने यहाँ से इसको कह दिया 30 डिग्री पे, दूसरा इसका क्षितिज के साथ एंगल है वो 60 डिग्री, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मेरे को बताना पड़ेगा कि एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज और इसका फिर एंगल क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये दोनों जहां कट करेंगे वो एक ही पॉइंट होगा फिक्स। तो एंगल से भी अपन दो एंगल से भी पॉइंट की लोकेशन फिक्स कर सकते हैं, दो डिस्टेंस की भी फिक्स कर सकते हैं, और एक एंगल और एक डिस्टेंस से, यानी एक लीनियर और एक एंगुलर मेजरमेंट से भी अपन लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल थे, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो पहला प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा प्रिंसिपल लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स। अब जो फर्स्ट पर्पज है उसका मैंने लिखा है कि ये क्यों करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इसलिए करते हैं इज टू लोकलाइज द एरर, यानी एरर को लोकलाइज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, एरर को कम करने के लिए अपन वर्क करते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं चेन सर्विंग। फंडामेंटल्स के बाद में, ये फंडामेंटल्स के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन इसका सर्वे का पहला टाइप आ गया अपने पास चेन सर्विंग, कि चेन से सर्वे कैसे करते हैं। अब इस चेन सर्विंग में क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, जो चेन सर्विंग है उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक तो बेसिक चेन्स के बारे में या टैप्स के बारे में, कि चेन है वो कौन सी होती है। एक टैप का भी मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें टैप कौन कौन सी होती है, यहाँ मैंने चेन के लिखे हैं, इसी तरीके से एक टैप्स का भी मैं आपको बताऊंगा। तो चेन की आपसे लेंथ पूछी जाती है सिंपल, या फिर एक स्केल पूछा जाता है, या रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वो पूछा जाता है। तो अपन शुरू करते हैं अपना चेन सर्विंग। चेन सर्विंग में जो है चेन जो है टाइप ऑफ चेन, चेन का मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जिसको जरीब भी कहते हैं। आप लोगों ने जो लोग जो स्टूडेंट्स गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, गांव में पटवारी होता है, पटवारी जमीन मापता है, जमीन जब मेजर करता है अपने खेत की, लैंड की, लैंड मेजर जब करता है, जमीन मेजर करता है, तो उसके पास एक लोहे की कड़ियों से बनी हुई एक लंबी सांकल सी होती जिसे अपन कहते हैं चेन, वो जरीब कहलाती है, वो लोकल भाषा में उसको जरीब बोलते हैं, पटवारी अपनी भाषा में उसको जरीब कहता है और अपन उसको कहते हैं चेन अपने इंजीनियरिंग भाषा में। अब वो चेन है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे फर्स्ट चेन, मीट्रिक चेन, जो मीट्रिक चेन होती है वो 5, 10, 20, 30 मीटर लेंथ की चेन अवेलेबल है, ये इस लंबाई में होती है। जनरली इसकी लंबाई जो अपन यूज करते हैं वो तो या तो 20 मीटर होती है या 30 मीटर होती है, बाकी ये 5, 10, 20, 30 ये चारों मीटर लेंथ इसकी अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। फिर है गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन। गंटर्स चेन या सर्वेयर्स चेन एक ही चीज है। गंटर्स चेन है वो 66 फीट लंबी होती है। गंटर्स चेन की लंबाई कितनी होती है? 66 फीट, और उसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं। 66 फीट और 100 लिंक्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये चीजें जो मैं ये बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखना, उनमें ये सब चीजें आपको, इनमें किसी ना किसी चेन के बारे में, किसी एग्जाम में गंटर्स चेन का पूछा होगा, किसी में इंजीनियर्स चेन का पूछा होगा, किसी में रेवेन्यू चेन का पूछा होगा, किसी में मैट्रिक चेन का पूछा होगा। तो ये आपको इसलिए याद रखना जरूरी है कि इसकी लंबाई कितनी होती है और उससे एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मीट्रिक चेन हो गई, इसकी लंबाई ये हो गई। गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन, उसकी लंबाई 66 फीट, 66 फीट लंबी हो गई और इसमें 100 लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। इस 66 फीट के अंदर 100 लिंक बने हुए होते हैं। अब अपन अगर एरिया की बात करें तो अगर 10 स्क्वायर गंटर्स चेन हो तो वो 1 एकड़ के बराबर होती है। अब 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 स्क्वायर चेन का, स्क्वायर चेन का मतलब एक गंटर्स चेन ऐसे 1/1 गंटर्स चेन। एरिया कैसे लेते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी गंटर्स चेन की एरिया की एक गंटर्स चेन लंबाई हो, यानी 66 फीट एरिया अगर लंबा है और 66 फीट ही चौड़ा है तो उसका गुणा कर लेंगे, यानी 66 × 66 यानी 66 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर चेन यानी 10 से गुणा कर लिया, 10 × 66 फीट का स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी आती है ये अपने 1 एकड़ के बराबर होती है, क्योंकि जमीन जैसे एकड़ में नापी जाती है कि कितने एकड़ जमीन है, तो ये एकड़ जमीन होती है 1 एकड़ बराबर 10 × 66 फीट का स्क्वायर, यानी 10 गंटर्स चेन का स्क्वायर है वो 1 एकड़ के बराबर होता है। ये भी एक किसी कंपटीशन एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। अब अपन बात करें 1 माइल की, 1 माइल जो है वो कितने बराबर होता है, जिसको मील बोलते हैं, 1 मील या 1 माइल, ये 80 गंटर्स चेन के बराबर होता है, यानी 80 × गंटर्स चेन, और गंटर्स चेन कितनी है? 66 फीट की। ये निशान ऊपर जो लगा है ये फिट का निशान होता है। तो 1 माइल बराबर 80 × 66 फिट, ये अपने 1 मील की लेंथ आ जाती है, 1 माइल लंबाई हो जाती है, जो 1.6 किलोमीटर होती है। फिर अपन बात करें इंजीनियर्स चेन की, तो इंजीनियर्स चेन जो है वो 100 फीट लंबी होती है और 100 ही उसमें लिंक होती है, यानी प्रत्येक लिंक है वो 1-1 फीट की हो जाती है। 100 फीट 100 लिंक, यानी प्रत्येक लिंक जो है 100 फीट की, ये इंजीनियर्स चेन। इसी तरीके से रेवेन्यू चेन, जो रेवेन्यू चेन है वो 33 फीट की होती है, जो रेवेन्यू चेन है वो 33 फीट की लंबी होती है और उसमें 16 लिंक होते हैं, 33 फीट लॉन्ग एंड 16 लिंक्स रेवेन्यू चेन के अंदर होती है। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये इनमें से भी बहुत बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो टेप काम में लेते हैं, टेप ये इसकी लेंथ कम होती है टेप की, और उसको यूज करते हैं अपन जनरली मोर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, यानी जब ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेना हो तो अपने टैप्स यूज करते हैं। टैप्स का भी मैं एक अलग से बनाऊंगा जिसमें आपके टैप्स के बारे में बताऊंगा। टैप भी बहुत सारी प्रकार की टैप होती है, जैसे ये चेन का देखा वैसे। फिर अपन इसमें बात करते हैं, एक आता है स्केल ऑफ मैप और प्लेन, यानी किसी भी मैप या कोई प्लान बनाया है उसका स्केल अपने को कितना लेना चाहिए, क्या होता है। तो स्केल का मतलब होता है, देखो जैसे ग्राउंड में अपन सर्वे करते हैं तो ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, जैसे अपन अगर सिंपल एक कॉलोनी की बात करें तो वो कॉलोनी हो सकता है 200 एकड़ में हो सकता है 100 एकड़ में हो,
तो अब 100 एकड़ तो बहुत बड़ी जमीन हो गई, उसको तो अपन नक्शे में बना नहीं सकते। अब नक्शा तो उसका बनाना है, छोटे से पेपर में आप लोग देखते होंगे UIT का या और किसी लोकल अथॉरिटी जो बॉडीज होती है उनका नक्शा बनता है, वो नक्शे जारी करते हैं, तो उनका नक्शा कोई ज्यादा बहुत बड़े पेपर पे नहीं बनता, वो ज्यादातर A3 या इस साइज पे बनता है। तो वो जो ड्राइंग बनती है वो ड्राइंग उस पूरे उस ड्राइंग के अंदर उस पूरे एरिया का सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो वो कैसे लाएं, उसके लिए अपने पास यूज होता है स्केल, यानी अपन रिड्यूस कर लेते हैं उस पूरे एरिया को, रिड्यूस करके एक छोटे से प्लेन पेपर पे अपन उसको बना सकते हैं। तो वो रिड्यूस कैसे करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं अपन स्केल से। स्केल का मतलब हो गया फिर लेंथ ऑफ लाइन ऑन मैप, यानी किसी भी लाइन की मैप पे लंबाई डिवाइड बाई उसी लाइन की ग्राउंड पे लंबाई। जैसे ग्राउंड पे अपन ने कोई एक लेंथ ली है, सपोज मान लो 40 मीटर, सपोज लिया अपन ने 40 मीटर, तो उसकी जो 40 मीटर है उसको अपन मैप पे कितना दिखा रहे हैं। हो सकता है मैप पे अपन ने लंबाई खींची है, उसकी जो खींची है वो 1 सेंटीमीटर ही खींची है, तो उसको अपन लिख सकते हैं ये 40 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है 40 मीटर के बराबर है। यानी लाइन जो खींची है अपने नक्शे में, वो लाइन जो है 1 सेंटीमीटर खींची है, लेकिन वो ग्राउंड की कितनी दिखा रही है, 40 मीटर को वहां पे दिखा रही है। तो वो कहलाता है स्केल 1/40 × 100, तो 1/400 उसका रेफ्रेक्शन फैक्टर आ जाएगा। जैसे ये रेफ्रेक्शन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रेफ्रेक्शन फैक्टर फ्रैक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्केल को फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये स्केल है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, सिंपल सी चीज। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, यानी ग्राउंड की जो वास्तव में 40 मीटर एक्चुअल लंबाई है उसको अपन ने नक्शे में अपनी ड्रॉइंग के अंदर सिर्फ 1 सेंटीमीटर से लिखा है। तो 1 सेंटीमीटर से लिखा है तो रेफ्रेक्शन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये जो है ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 40 मीटर, क्योंकि जो लाइन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन है ऑन मैप वो तो 1 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड है वो 40 मीटर है। अब इस सेंटीमीटर को तो मीटर से काट नहीं सकते, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे रख लिया, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और इसको गुणा कर लिया, ये आ गया 1/4000। तो इसको इस स्केल को जब इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फिर अपन देखते हैं आगे एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल, यानी ये स्केल अगर गलत ले लिया, ये स्केल गलत ले लिया, मेजर गलत ले लिया, तो उसके कारण एरर कैसे आएगी और उसको कैसे अपन करेक्ट लेंथ निकालेंगे। सपोज स्केल तो था ये और अपन ने ले लिया मान लो 1/5000 इस तरीके से, ये गलत ले लिया, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर था, अपन ने ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर के हिसाब से ड्रॉ कर दिया। तो वो जो है उसके हिसाब से फिर लेंथ करेक्ट करनी पड़ेगी। वो करेक्ट लेंथ कैसे होगी, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल, यानी ये जो है 1/4000, इसकी जगह अगर अपन ने 1/5000 ले लिया तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 1/5000, क्योंकि ताकि अपन एरर निकाल लें और उस एरर को रिमूव कर दें, डिवाइड बाय करेक्टेड, करेक्टेड मान लो ये था 1/4000, तो ये 1/4000 हो जाएगा, तो ये 4000 ऊपर चला जाएगा, 5000 नीचे, यानी 4000 डिवाइड बाय 5000, कहने का मतलब आ गया 4/5, 4/5 इनटू मेजर्ड लेंथ। अब मान लो गलत स्केल से अपन ने 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दूरी नाप दी गलत स्केल से, तो 1000 दूरी नाप दी तो 1000 यहाँ पे गुणा आ जाएगा 1000, तो ये 4000/5 यानी ये आ जाएगा 800 मीटर। तो करेक्ट लेंथ क्या आ गई, 800 मीटर, यानी अपन ने गलत स्केल से 1/5000 से अपन ने जो दूरी नापी वो 1000 मीटर थी, लेकिन वास्तव में वो दूरी कितनी निकली, फिर 800 मीटर ही क्यों निकली, क्योंकि अपन ने जो गलत स्केल लिया वो 1/5000 था, 1/5000 का मतलब 1 सेंटीमीटर को अपन 50 मीटर लिख रहे थे, जबकि वास्तव में 1 सेंटीमीटर कितना था, 40 मीटर के बराबर, तो अपन ने दूरी ज्यादा लिखी ना, अपन ने ज्यादा लिखी, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर लिखी, यानी अपन ने दूरी है वो ज्यादा नाप दी, लेकिन वास्तव में वो दूरी फिर क्या निकली, कम निकली। तो ये यहां से अपन ने देखा। इसी तरीके से अपन एरिया में करेक्शन लगा सकते हैं, जो करेक्टेड एरिया है वो करेक्टेड एरिया हो जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ करेक्ट स्केल, यानी ये सेम चीज है, ये लंबाई थी, अब एरिया निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि सेम जब लेंथ नाप रहे हैं तो भी वही गलत स्केल लिया है, जब विड्थ ले रहे हैं तो भी गलत स्केल लिया है, तो ये दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया, यानी गलत एरिया कितना अपन ने निकाला है, और फिर ये करेक्टेड एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या स्केल गलत लेने से जो चीजें हैं उसको अपन ठीक कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे टर्म ये आई है, प्रेसीजन और एक्यूरेसी, प्रेसीजन और
एक्यूरेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, आपके बहुत बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत बार कंफ्यूजन भी रहता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या चीज है, क्योंकि दोनों का तो लगता है ऐसा ही है कि शुद्धता, लेकिन ध्यान यह रखना है, एक्यूरेसी जो है इसको मैंने लिखा डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेंड, यानी एक्यूरेसी जो है कि अपने काम जो सर्वे जो अपन ने किया है वो कितना परफेक्ट किया है, परफेक्ट का मतलब होता है कि जो उसका ट्रू रिजल्ट है उसके कितना पास में अपन पहुंचे, यानी वास्तव में जैसे एरिया अपन ने नापा वो एरिया वास्तव में एकदम सही था उसके पास में अपन एकदम नापा या नहीं नापा। और प्रिसीजन का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंस, यानी काम को करने की बारीकता, एंड केयर विद विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज मेड, यानी कितनी सावधानी पूर्वक आपने काम किया है और कितनी बारीकता से आपने काम किया है वो कहलाता है प्रिसीजन। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज आपने मान लो गेट बनाया घर में, अपने को जैसे गेट, खिड़की खिड़की या दरवाजे का दरवाजा बनाना था, अपने को डोर बनाना था, डोर को एक मिस्त्री लगता है, वो उसको बहुत बारीक से काम करता है, बहुत धीरे धीरे एकदम हर चीज को सावधानी पूर्वक बहुत काम करता है, लेकिन उसने डायमेंशन पहले से ही गलत ले ली थी, तो उसका काम तो एकदम परफेक्ट आता है, काम एकदम उसकी सही होता है, फाइनेंस उसकी बहुत बढ़िया है, यानी बारीकता से वो काम करता है, डिग्री ऑफ फाइनेंस उसकी बहुत अच्छी है, सावधानी पूर्वक भी काम करता है, सब चीजें सही लगाता है, कूटे कब्जे जो लगाने हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लगाता है, लेकिन जब वो ले जाके उसको दरवाजे में फिट करता है जगह में, तो वो फिट नहीं होता है, उसके डायमेंशन गलत ली हुई थी, दरवाजा छोटा रह जाता है, बहुत सारी चारों तरफ जगह रह जाती है, तो क्या वो दरवाजा वहां लग पाएगा? नहीं। तो उसने काम तो बहुत सही किया था, लेकिन वो क्योंकि उसकी एक्यूरेसी सही नहीं थी, एक्यूरेसी का मतलब उसने जो पहले मेजरमेंट लिया था वही सही नहीं लिया था, काम उसने सही किया, दरवाजा बहुत अच्छा बनाया है, फाइनेंस एकदम स्मूथनेस है, उसकी जो सरफेस है वो बहुत अच्छी किया उसने, पॉलिश वगैरह सब किया है, रंदा सही लगाया, सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से की, लेकिन उसकी एक्यूरेसी नहीं थी, जो जहां पे रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था वहां पे वो नहीं पहुंचा है। और दूसरा होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेंड, यानी अगर वो उसकी परफेक्ट अगर काम करेगा तो उसका दरवाजा जो है जब वो फिट करेगा तो एकदम फिट दरवाजा हो जाएगा, उसमें ना तो बहुत ज्यादा जगह बचेगी, यानी ना तो वो लूज रहेगा और ना ही वो टाइट रहेगा, अगर ऐसा काम करता है तो वो कहलाता है एक्यूरेसी के साथ काम किया है, यानी एक्यूरेसी का मतलब उसने जो रिजल्ट है, जो ट्रू रिजल्ट है, जो वास्तविक रिजल्ट है उसके पास वो पहुंचा है। और प्रिसीजन का मतलब जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, सर्वे की बात करें तो जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जैसे आपने 5 रीडिंग ली, पांचों बहुत पास पास आपने ली, एकदम सावधानी पूर्वक ली, लेकिन जो वास्तविक रिजल्ट था उससे कहीं दूर थी, जैसे आपने कोई मान लो एंगल मेजर कर रहे हो, कोई कोण मेजर कर रहे हो, कोण है सपोज 30 डिग्री, वास्तविक कोण जो ट्रू एंगल है वो 30 डिग्री है, आपने उसको मेजर किया सावधानी से, आपने ले लिया 35, अगली रीडिंग ली आपने लिया 35 डिग्री और 20 मिनट, फिर रीडिंग ली आपने 35 डिग्री 10 मिनट, इस तरीके से आपने किया, काम बहुत अच्छा किया है लेकिन वो ट्रू रिजल्ट के पास में नहीं है, तो वो जो काम किया यानी जो ऑब्जर्वेशन, आप 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, अगर वो पांचों पास पास है तो वो कहलाएगा प्रिसीजन वर्क है, और अगर वो रिजल्ट जो आपने 5 रीडिंग ली है, अगर वो 5 रीडिंग उसके ट्रू रिजल्ट के आसपास है, वास्तविक रिजल्ट के आसपास है, तो फिर वो कहलाएगा एक्यूरेट वर्क। जैसे अपन कहते हैं, अपन कभी ये नहीं कहते कि काम है वो प्रिसीजन होना चाहिए, अपन कहते हैं काम वर्क है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए भैया, एक्यूरेट का मतलब जो रिजल्ट अपने को चाहिए उसके पास ही काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजल्ट से कहीं कोसों दूर अपना काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा एक्यूरेट का मतलब क्लोज टू ट्रू वैल्यू या ट्रू रिजल्ट है उसके एकदम पास में होना चाहिए, तो वो वर्क कहलाएगा एक्यूरेट। और प्रिसीजन का मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर क्लोजली ग्रुप्ड टुगेदर स्मॉल डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू से इनका डेविएशन है, अलग है, लेकिन जो आपस में जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए हैं, आपने 5 रीडिंग ली है, 3 रीडिंग ली है, वो ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोजली है यानी बहुत पास पास में, लेकिन उसका ट्रू वैल्यू से कुछ डेविएशन हो जाता है तो वो वर्क कहलाएगा प्रिसीजन, अगर ट्रू वैल्यू के एकदम पास है तो वो कहलाएगा एक्यूरेट। इसी तरीके से अपने एक वर्ड आता है मिस्टेक्स और एरर, इसमें भी बहुत लोगों के कंफ्यूजन रहता है कि मिस्टेक क्या होती है, एरर क्या होती है। मिस्टेक का मतलब होता है गलती कर दी, अब गलती बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे 5 मीटर की जगह 15 मीटर पढ़ लिया, या 5 की जगह 15 मीटर लिख दिया, या 15 मीटर लिखना था वहां 1 गायब कर दिया, 5 ही लिख दिया, बहुत स्टूडेंट हम लोग जब देखते हैं तो बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं, एक खा जाते हैं, 5 मीटर लिख दिया सब, डिग्री में मिनट डिग्री का कई बार ऐसे होता है, सिर्फ मिनट लिख देते हैं, सेकंड लिख देते हैं, डिग्री छोड़ देते हैं, जब थियोडोलाइट से वर्क करते हैं, एंगल पढ़ते हैं तो डिग्री छोड़ देते हैं, सिर्फ मिनट और सेकंड लिख देते हैं, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई, तो वो गलती है, वो मिस्टेक्स है। तो अब ये जो है इसको नंबर ऑफ टेप सही नहीं काउंट करना, ये भी मिस्टेक्स होती है, जैसे टेप आपने मान लो 10 बार टेप लिया, अब वो 9 बार ही काउंट करी, तो एक टेप पूरी 20 मीटर की सीधी सीधी एरर आ गई,
वो मिस्टेक हो गई तो वो कहलाती है मिस्टेक, और एरर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे कि एरर किस प्रकार की होती है, किस किस कारण से एरर आ सकती है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होती है, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है, या चेन टेप लेंथ गलत ले ली, उसकी स्टैंडर्ड लेंथ से अलग लेंथ थी, स्केल गलत ले लिया, उसके कारण भी एरर आ सकती है, या नेचुरल एरर भी हो सकती है। और जो मैन मेड एरर होती है उसे अपन बोलते हैं मिस्टेक्स। तो ये मिस्टेक्स का मतलब गलती कितनी भी बड़ी हो सकती है। एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू यानी कितनी अपन ने फील्ड में मेजर की है और वास्तविक वैल्यू क्या है। जैसे मैंने कहा, मान लो आपने टेप लिया, आपने मेजर कर ली, अभी जैसे अपन एक एग्जांपल लिया था ऊपर 1000 मीटर, तो वो मेजर 1000 मीटर थी लेकिन वास्तव में कितनी थी 800, तो वो 200 एरर आ जाएगी। और जब भी एरर से अपन करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस एरर होता है, यानी जो एरर आई है उसका नेगेटिव साइन का करेक्शन लगा दो, एरर रिमूव हो जाती है। जैसे एरर आ गई, मान लो यहाँ पे अपने एरर आई 200 मीटर, तो करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस 200, तो 1000 माइनस 200 कितना बच गया 800, यानी ट्रू वैल्यू आ गई। तो करेक्शन लगाना है वो एरर में से माइनस करना पड़ेगा, जो भी एरर है उसको माइनस कर दो, वो करेक्शन आ जाता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे एक वेल कंडीशन ट्राइंगल, वेल कंडीशन ट्राइंगल। अब वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 30 से 120 डिग्री हो वो कहलाता है वेल कंडीशनल ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फंडामेंटल्स में ये सब चीजें डाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी पढ़ लोगे तो आपके किसी भी सर्वे के एग्जाम में, जैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे सर्वे के क्वेश्चन फटाफट आप टिक मारोगे सीधा सीधा। वेल कंडीशन ट्राइंगल, वेल कंडीशन ट्राइंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल शुड बी 30 degree to 120 degree, यानी कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल अपना कहलाएगा वेल ट्राइंगल। और अगर मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वेल ट्राइंगल की बात करें तो वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वेल कंडीशन ट्राइंगल है वो होता है जिसका एंगल 60 degree होता है, जिसे अपन कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है वो अपना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल, यानी सबसे अच्छा जो वेल कंडीशन ट्राइंगल है उसका एंगल क्या होना चाहिए, प्रत्येक एंगल 60 degree, जिसे अपन कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। और अगर सिंपल वेल कंडीशन की पूछें तो वेल कंडीशन ट्राइंगल है उसका प्रत्येक एंगल 30 degree से 120 degree के बीच में होना चाहिए, ना तो कोई एंगल 30 degree से कम होना चाहिए, ना ही कोई एंगल 120 degree से ज्यादा होना चाहिए, इनके बीच में हो सकता है, या 30 हो सकता है और 120 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 30 degree, मैक्सिमम वैल्यू 120 degree, तो वो अपने कहलाएगा वेल कंडीशन ट्राइंगल। और मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वेल कंडीशन ट्राइंगल है वो अपना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एंगल 60 degree हो। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बने रहिए, मैं एक एक टॉपिक आपका कवर करता जाऊंगा। ये सर्वे का जैसे मैंने फंडामेंटल्स आज चूज किया है, आगे फिर मैं अलग अलग सर्वे के टाइप्स लेके आऊंगा और एक एक करके अपन वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आप लोग आराम से इसको देख ही रहिए। बाकी आप लोग, मेरा एक कहना ये हो रहा है कि हमेशा अपनी वीडियो देखें, आप गाइड देखें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप एक अपनी जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे सर्वेइंग की जो स्टैंडर्ड बुक है, बीसी पुनमिया की बहुत अच्छी बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ वो भी पढ़ें और ये भी पढ़ें। ये आपको वीडियो कंटेंट के रूप में मिल गया, ई कंटेंट के रूप में मिल गया, वो आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में होगी। तो दोनों को आप फॉलो करें, आपका रिजल्ट है बेस्ट रहेगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता रिजल्ट देने से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप एक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।